Hello, students. In the last video, we have studied narrowband FM and we have also derived the general expression for narrowband FM. Now, in this video, we will derive the general expression for wideband FM. Okay. As in the last video, I have discussed with you that narrowband FM is very much similar to AM, DSB, FC. Okay. So, it does not have very much practical significance. बट वाइट बैंड एफ एम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एस ठीक है तो हियर वी विल स्टडी वाइट बैंड एफ एम इन डिटेल ओके सो फॉर वाइट बैंड एफ एम इफ आई कंसिडर द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफ एम सिग्नल अगेन सो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था आपका एफ एम सिग्नल का इन केस ऑफ बीटा ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा ऑफ एफ एम सिग्नल नाउ हियर हम लोगों को करना क्या है हियर वी वॉन्ट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हाइट बैंड एफ एम व्हाइट बैंड एफ एम की मीनिंग क्या है आपको क्लियर होनी चाहिए स्टार्ट से ही दैट मीनस आप बीटा को वन से ग्रेटर लेके चलने वाले हैं क्लियर है पॉइंट तो यहां पर वो अप्रोक्सीमेशन आपके काम नहीं करेंगे जो आपने नैरो बैंड एफ के टाइम पे लिए थे कि आपका जो एंगल बहुत स्मॉल हो गया था क्योंकि बीटा आपका वेरी मच लेस देन वन था जिसकी वजह से आपने कॉस थीटा को वन कर लिया था और साइन थीटा को थीटा कर लिया था तो वो आपके जो अप्रोक्सीमेशन हैं वो यहां पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीटा इज ग्रेटर देन वन ओके सो यहां पर हम लोग किस तरह से इसको डिराइव करें तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर इसको आगे डिराइव करना स्टार्ट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका कॉस का टर्म है कॉस थीटा का टर्म है क्या यहां पर मैं थीटा को रियल ऑफ ई की पावर जे थीटा लिख सकता हूं तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं ई e की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं ये भी क्लियर कर लेते हैं साथ ही साथ में जो ई e की पावर जे थीटा होता है वो क्या होता है आपका कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा तो जो ई e की पावर जे थीटा का रियल पार्ट है वो क्या है आपका? थीटा है, आपका थीटा ठीक है ना तो अगर आप कॉस को लिखना चाहें e की पावर के टर्म में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा रियल ऑफ ई e की पावर जे थीटा इस कॉस थीटा सिंपल ओके अब अगर मैं यहां पर e की पावर को इस तरह से लिख लू लाइक e की पावर जे ओमेगा सी टी इंटू e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा सेपरेट कर लिया, ठीक है ना क्लियर है, अच्छे से. Now, यहां पर आप देखिए यहां पर एक e की पावर है ई e की पावर जे ओमेगा सिटी एंड सेकेंड जो ई e की पावर है वो है ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके यहां पर अगर मैं इस टर्म का एनालिसिस करूं e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो सपोज करिए मैं स्टर्म को दे रहा हूं एक्स टी सो एक्स टी इज ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके तो यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को दे देता हूं एक्सप्रेशन नंबर वन ओके तो यहां पर आप देखिए जो मैंने एक्सटी एज्यूम किया है ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी को ठीक है यहां पर देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका पीरियोडिक एक्सप्रेशन होगा पीरियोडिक एक्सप्रेशन कैसे होगा हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं पहले आप ये देख लीजिए कि पीरियड कितना होगा आप देखिए e की पावर j थीटा का फॉर्मेट है ठीक है और यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर जो साइन के साथ जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है आपकी एफ है ना ओमेगा एम है तो आप फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे एफ बोलेंगे ओमेगा एम इज टू पाई एफ ठीक है तो एक पॉइंट हमें समझ में ये आ रहा है कि जो पीरियड है वो वन अपॉन एफ हो सकता है तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि पीरियड इसका वन अपॉन एफ है कि नहीं है तो उसके लिए बेटर तरीका क्या है हमें पता है कि कोई भी जो पीरियोडिक सिग्नल होता है वो आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड अपने आप को रिपीट करता है ठीक है तो यहां पर अगर मैं एक्स टी प्लस वन अपॉन एफ ले लू ठीक है ना तो अगर ये सिग्नल आपका सेम आ जाता है तो ये आपका सिग्नल पीरियोडिक है विद वन ठीक है ना अगर सेम नहीं आता है तो ये आपका पीरियोडिक नहीं होगा है तो यहां पर आप देखिए e की की j और t जगह क्या पुट करना है t प्लस वन अपॉन एफ एम क्लियर है अच्छे से ना अब अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा e की पावर j बीटा साइन टू पाई एफ एम टी ओके आ गया आपका साइन टू पाई एफ एम टी जिसे आप कह सकते हैं साइन ओमेगा एम टी ओके हमें पता है पावर्स जब ऐड हो रही है तो उसे आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहां पर आप और क्या लिख सकते हैं ई e की पावर जे बीटा ओके साइन ओके यहां पर देखिए टू पाई एफ एम इंटू वन अपॉन एफ एम तो साइन के अंदर क्या हो जाएगा आपका एफ एम और एफ एम कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन टू पाई क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि साइन पाई साइन टू पाई ये सारी वैल्यूज क्या होती है आपकी जीरो होती है तो ई e की पावर जीरो क्या होता है आपका वन होता है दैट मीनस जो आपका एक्स टी प्लस वन अपॉन एफ एम है ओके okay? वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर e की पावर j बीटा साइन ओमेगा एम टी ठीक है ना अब आप अगर चेक करें तो एक्स टी जो है आपका और इसका मतलब जो आपका एक्स टी सिग्नल है वो पीरियोडिक है विथ पीरियड वन अपॉन एफ एम हमने यहां तक प्रूव कर लिया ठीक है Now, अब हम लोगों को सिग्नल सिस्टम के और कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा ठीक है ना पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी आपका सिग्नल सिस्टम का ही कंसेप्ट है उसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है सिग्नल सिस्टम में दैट इज कॉल्ड सीरीज ओके अगर आप किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फोर सीरीज का यूज कर सकते हैं क्लियर है पॉइंट तो यहां पर बेसिकली मैं एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज करूंगा अपने सिग्नल ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लियर है तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फोरिया सीरीज होती क्या है ठीक है तो एक्सपोनेंशियल फोरिया सीरीज होती है एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट t, ओके okay? और यहां पर जो आपका सी एन होता है वो होता है वन बाई t माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू ओके एक्स टी e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी ओके ना ये आपका फोरियर सीरीज के फॉर्मले हैं अब इन्हें यूज कैसे करना है हम बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे यहां पर ठीक है आप देखिए ये जो एक्स टी है ये एक्सटी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी फोरियर सीरीज को ठीक है ना मीन्स अगर आप इस एक्सप्रेशन में सी एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको एक्सटी फोर सीरीज यहां पर मिल जाएगी ठीक है ना मीन्स यहां पर जो e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी है उसे आप फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे अगर आप एक्स टी वाले ठीक है क्लियर पॉइंट अब आप देखिए ये जो CN आपको कैलकुलेट करना है उसमें भी आप एक्स टी का यूज कर रहे हैं ठीक है तो ये एक्सटी कौन सा है ये एक्स टी वो एक्सटी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसके लिए आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है दैट इज ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके okay, तो यहां पर आप xt की जगह क्या पुट करेंगे e की पावर j बीटा साइन ओमेगा mt ठीक है और इस xt को यहां पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर लेने के बाद जब आपको cn कैलकुलेट हो जाएगा तो इस cn को जब आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे cn e की पावर j n ओमेगा नॉट t वाले फॉर्मूले में तो आपको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा तो यहां पर जो आपका यहां पर xt लिखा हुआ है ठीक है वो है आपका फोर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ओनली और ये एक्सटी जो आप यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में वो है आपका क्वेश्चन वाला एक्सटी जिसको आप फोर सीरीज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं क्लियर पॉइंट ठीक है नाउ अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली हम लोग इस ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम के लिए फोर इयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे ठीक है फोर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं होता फोर सीरीज जो है वो सिग्नल की इंफॉर्मेशन को ही शो करती है ठीक है बस एक रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल्स के लिए ठीक है नाउ अब अगर हम लोग यहां पर सी को कैलकुलेट करने के लिए जाए तो Cn का फॉर्मुला आपको पता है क्या है वन बाई टी टी मीस क्या है आपका टाइम पीरियड, आप जानते हैं टाइम पीरियड निकाल चुके हैं आप लोग ऑलरेडी क्या है वन अपॉन एफ एम तो वन अपॉन वन अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा एफ एम ओके माइनस टी बाई क्या हो जाएगा आपका टी मीन्स वन अपॉन एफ एम ओके टी बाय टू क्या हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन टू एफ एम ओके सिमिलरली टी बाई टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू एफ एम क्लियर है अच्छे से ना अब आपको एक्स टी की वैल्यू क्या पुट करनी है यहां पर e की पावर j बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके okay? यहां पर है और एक और टर्म है आपका e की पावर माइनस जे एन अब यहां ध्यान से समझिएगा कि ओमेगा नॉट क्या है ओमेगा नॉट होता है आपका टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में ओमेगा ठीक है मेंस ओमेगा नॉट आप क्या लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी ठीक है ना टू पाई अपॉन टी टू पाई अपॉन टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड कितना है आपका वन अपॉन एफ है तो टू पाई अपॉन वन अपॉन एफ तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा बेसिकली टू पाई एफ ओके सो लिख दीजिए टू पाई एफ क्लियर इन टू डी टी ओके नाउ अब इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर सॉल्व करूं अगर तो सी एन कितना हो जाएगा आपका एफ एम ओके माइनस वन अपॉन टू एफ एम टू वन अपॉन टू एफ एम ओके अंदर क्या हो जाएगा आपका ई e की पावर अब यहां ध्यान से देखिए यहां पर ई e की पावर एक टर्म यहां पर है जे बीटा साइन ओमेगा एम टी और एक टर्म है ई e की पावर माइनस जे एन टू पाई एफ एम टी अगर मैं दोनों को एक साथ लिख दू यहां पर तो यहां पर हो जाएगा आपका ई की पावर जे कॉमन आ जाएगा और कितना आ जाएगा बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके माइनस एन टू पाई एफ एम टी क्लियर है पॉइंट यहां से बच्चे अच्छे से देख सकते हैं हम लोगों ने बेसिकली जे को कॉमन ले लिया तो फर्स्ट क्या आएगा बीटा साइन ओमेगा एम टी और यहां पर आपका माइनस था माइनस एन टू पाई एफ एम टी क्लियर है अच्छे से और लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं यहां पर डी टी ओके तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया सी एन का अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लू ठीक है तो मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं लेट टू पाई एफ एम टी इज इक्वल टू थीटा ओके तो यहां पर हम बेसिकली क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टी वेरिएबल है इंटीग्रेशन का उसे हम थीटा वेरिएबल में चेंज कर दें क्लियर है अच्छे से ठीक है तो यहां पर अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लें तो ये हो जाएगा टू पाई एफ एम डी टी इज इक्वल टू डी थीटा तो जो आपकी डी टी की वैल्यू है वो आ जाएगी डी थीटा अपॉन टू पाई एफ एम ओके तो यहां से हमें डी टी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई अब हमें क्या बचा है और कैलकुलेट करने के लिए लिमिट की वैल्यू ठीक है तो जब आपकी लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं पहले तो जब आपकी जो टी की वैल्यू है वो थी आपकी माइनस वन अपॉन टू एफ एम ओके तो आप देखिए यहां पर थीटा कितना हो जाएगा अगर आप टी की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू एफ एम पुट कर दे यहां पर तो थीटा जो है वो आ जाएगा आपका माइनस पाई ओके क्लियर है अच्छे से नाउ सिमिलरली अगर मैं टी की वैल्यू पुट कर दू वन अपॉइंट टू एफ एम ओके आप देख लीजिए अगर आप टी की वैल्यू वन अपॉइंट टू एफ एम पुट करेंगे तो जो थीटा है वो आ जाएगा आपका पाई ओके तो यहां से हमारी लिमिट्स भी कैलकुलेट हो गई तो जो आपका सी एन है अब हम इस Cn को क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं एफ एम माइनस पाई टू प्लस पाई ठीक है उसके अलावा क्या लिख सकते हैं ई e की पावर जे अब आप देखिए जे के बाद यहां पे क्या है बीटा साइन ओमेगा एम टी ओके हमने बेसिकली टू पाई एफ एम टी दैट इज ओमेगा एम टी को थीटा माना है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में बीटा साइन थीटा ओके माइनस अब आप आगे देखिए आगे है आपका एन टू पाई एफ एम दैट इज एन थीटा ओके क्लियर है पॉइंट यहां तक और लास्ट में क्या होगा डी थीटा अपॉन टू पाई एफ जो कि आपकी डी की वैल्यू थी ओके नाउ यहां पर अगर मैं और सॉल्व कर लूं थोड़ा सा तो आप देख सकते हैं दिस एफ एम एंड दिस एफ एम विल बी कैंसल आउट क्लियर है अच्छे से तो आपका क्या आ जाएगा वन अपॉन टू पाई माइनस पाई टू प्लस पाई ए की पावर जे बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा क्लियर है अच्छे से यहां तक अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आया है ये एक मैथमेटिकल का बहुत ही फेमस फंक्शन है मैथमेटिक्स का बहुत ही फेमस फंक्शन है ये इस फंक्शन का नाम होता है आपका बेसल फंक्शन ठीक है तो इस एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेशन नंबर टू दे देता हूं और पहले हम लोग थोड़ा सा बेसल फंक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं बेसल फंक्शन एक इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है आपका ठीक है, है अगर मैं यहां पर डिनोट करूं इसे जे एन एक्स से मैं बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक का ही रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं आपके लिए है? तो जे एन एक्स क्या है आपका एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है तो क्या होता है वो जे एन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई माइनस पाई टू पाई की पावर जे एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा ओके ये होता है आपका बेसल फंक्शन का फॉर्मूला ओके क्लियर है पॉइंट यहां पर और यहां पर जो आपका एन है वो क्या होना चाहिए आपका इंटीजर एन शुड बी इंटीजर वैल्यू ठीक है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है तो हमें सारी प्रॉपर्टीज इसकी एनालिसिस करनी होगी यहाँ पर क्लियर है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जो भी आपका जे एन एक्स है ओके okay, वो आपका डिक्रीज करता है जैसे जैसे आपकी एन जो है वो इंक्रीज होती है ओके okay, इसके मीनिंग क्या है आपकी कि जो आपका जे जीरो एक्स है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी फिर आपका जे वन एक्स आएगा फिर आपका जे टू एक्स आएगा मीन्स जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज करते जाएंगे आपका जे एन एक्स क्या होता चला जाएगा आपका डिक्रीज होता चला जाएगा क्लियर है पॉइंट अच्छे से सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आप जे ऑफ माइनस एन एक्स निकालना चाहते हैं ठीक है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस वन टू दावर एन जे एन एक्स ओके इसको भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू सपोज करिए अगर आप निकालना चाहते हैं जे ऑफ माइनस वन एक्स ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर माइनस वन जे ऑफ वन एक्स ठीक है आप पीछे फिर से देख लीजिए यहां पर जब आपका यहां पर नेगेटिव इंटीजर आता है ठीक है ना तो यहां पर क्या होता है माइनस वन की पावर एन हो जाता है और जे एन एक्स आपका यहां पर रह जाएगा तो यहां पर एन की वैल्यू क्या थी वन थी और सामने क्या लगा था माइनस साइन तो यहां पर आ जाएगा माइनस वन की पावर ओके और यहां पर एन की वैल्यू क्या है वन है तो वन आ जाएगा और जे वन एक्स ठीक है इसका मीनिंग ये है कि आपको पावर में यहां पर प्लस वन रखना चाहिए वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी ठीक है तो यहां पर जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा माइनस जे वन एक्स क्लियर है पॉइंट सिमिलरली देखिए आप जे ऑफ माइनस टू एक्स को अगर आप कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो फिर से माइनस वन की पावर माइनस वन की पावर में क्या आता है जो यहां माइनस साइन के साथ रहता है ठीक है ना देख लीजिए एन तो माइनस साइन के साथ यहां पर क्या है आप देख सकते हैं टू है तो माइनस वन का इक्वल तो आ जाएगा आपका जे टू एक्स के इक्वल आ जाएगा क्लियर है पॉइंट तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी माइनस वन का पावर ऑड होगा तो सामने आपका माइनस साइन आ जाएगा और जब भी माइनस वन का पावर इवन होगा तो सामने आपका प्लस साइन आ जाएगा मीन्स जे ऑफ माइनस टू एक्स विल रिमेन जे टू एक्स बट जे ऑफ माइनस वन एक्स विल बी माइनस जे वन एक्स ठीक है तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं इसे प्रॉपर्टी को फिर से लिख लीजिए आप जे ऑफ माइनस एन एक्स विल बी इक्वल टू जे एन एक्स जब आपका एन क्या होगा इवन होगा और विल बी इक्वल टू माइनस जब आपका एन क्या होगा ऑड होगा है 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 अच्छे से ये ये समझ में आ गई क्योंकि ये हमें करना है अभी ठीक ना Now, third property. Third property होती है की कि जो के का होता फ्रॉम माइनस इनफनाइट टू प्लस इनफनाइट ओके जे स्क्वायर एक्स वो ऑलवेज आपका होता है वन क्लियर तो ये आपका हमेशा वन होगा क्लियर है तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत यूजफुल होगी जब आप लोग पावर कैलकुलेट करेंगे इन वाइट बैंड एफ एम फॉर्मुला ओके क्लियर है तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं बेसल फंक्शन की इनका अब हम यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में ठीक है तो बेसल फंक्शन आपका क्या है बेसिकली बेसल फंक्शन एक फॉर्मूला है एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है ठीक है अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरह का आता है आपके किसी भी डेरिवेशन में तो उसकी जगह आप जे एन एक्स लिख सकते हैं ठीक है क्लियर है पॉइंट एक रिप्रेजेंटेशन है बस इंटीग्रेशन को आप जे एन एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जे एनएक्स की प्रॉपर्टीज का आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया है यहां पर क्लियर है तो ये वेल डिफाइंड है आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस इंटीग्रेशन को ठीक है ये ऑलरेडी सारी चीजें डिफाइंड है आपको सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है और कुछ भी नहीं क्लियर है नाउ यहां पर अगर मैं बैक टू इक्वेशन नंबर टू आ जाऊं तो इक्वेशन नंबर टू में आप देख सकते हैं कि सी एन क्या है आपका

यहां पर भी है माइनस एन थीटा और आगे क्या है डी थीटा इसकी मीनिंग क्या है जो आपका एक्सप्रेशन नंबर टू है वो है जे एन बीटा क्लियर है तो हम लोग अब एक्सप्रेशन नंबर टू से लिखने जा रहे हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन टू ओके क्या हो जाएगा आपका सी एन इज इक्वल टू जे एन बीटा ओके तो यहां से हमें सी एन हो गया है जे एन बीटा क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अगर मैं पिछली स्लाइड्स में वापस जाऊं तो आप देखिए आपने सी एन कैलकुलेट ही क्यों किया था आप लोगों ने सी एन इसलिए कैलकुलेट किया था क्योंकि आप इस एक्स टी की फोर सीरीज लिखना चाहते थे जिसके लिए आप लोगों ने एक फॉर्मुला लिखा था फोर सीरीज का ये वाला एक्स टी इज इक्वल टू सिगमा एन इक्वल टू माइनस इन्फनाइट टू प्लस इन्फेनाइट सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी ठीक है तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सी एन की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो मुझे ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी जो कि आपका टी है यहां पर उसकी फोर सीरीज मुझे मिल जाएगी उसका फोर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मुझे मिल जाएगा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अब हम एक्स टी के एक्सप्रेशन में सी एन की वैल्यू पुट कर देते हैं क्लियर है तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं वैल्यू तो फोर इफ एक्स टी कितनी आ जाएगी आपकी आप देख सकते हैं यहां पर एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इंफनाइट टू प्लस इंफनाइट जे एन बीटा ओके और आगे कौन सा टर्म था आपका आगे टर्म था ई e की पावर जे एन उमेगा नॉट ओमेगा नॉट अब आप जानते हैं टू पाई एफ एम टी ओके तो ये बेसिकली आप लोगों ने यहां पर एक्सटी लिख लिया क्लियर है अच्छे से तो ये जो एक्स टी आई है ये ई e की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी का फोर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है ओके तो बेसिकली ये है आपका ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा ओके? तो बेसिकली आप लोगों ने ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी को रिप्रेजेंट कर लिया है क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं इसे दे दू इक्वेशन नंबर थ्री और अगर मैं इक्वेशन नंबर वन में वापस जाऊं ठीक है तो इक्वेशन नंबर जो वन था वो कुछ इस तरीके का था आप देखिए यहां पर

इक्वेशन नंबर वन में हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थ्री की वैल्यू ओके okay? तो जो आपका नया एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा एस इक्वल टू ए सी उसके आगे क्या हो जाएगा आपका? Real, okay? e की पावर जे ओमेगा सी टी इन टू सिमा एन इक्वल टू माइनस इंफेनाइट टू प्लस इंफनाइट जे एन बीटा ओके okay? e की पावर j n थोड़ा सा और मोडिफाई अगर मैं करूं यहां पर, तो आपको पता है ना और जो ई e की पावर जे ओमेगा सिटी है उसमें एन का कोई टर्म नहीं है ठीक है तो इस समेशन के लिए ई e की पावर जे ओमेगा सिटी क्या है आपका कॉन्स्टेंट है तो इसे आप चाहे सम्मेषन के अंदर रखिए चाहे बाहर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा ए सी रियल ई e की पावर आप क्या कर सकते हैं ई e की पावर को अंदर रख सकते हैं समेशन के तो हम लोग अंदर कर लेते हैं समेशन के ई e की पावर को ओके तो आप लिख लीजिए पहले सिग्मा एन इक्वल टू तो माइनस इनफिनाइट टू तो प्लस इनफिनाइट देन ई e की पावर जे ओमेगा सी टी एंड देन जे एन बीटा ई की पावर जे एन ओमेगा एम टी ओके ये हो गया आपका कंप्लीट नाउ देखिए यहां पर ध्यान से ए सी रियल अगेन सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इंफनाइट टू प्लस इंफनाइट अब हमें पता है एक टर्म है आपका जे एन बीटा का और दो टर्म है आपके ई e की पावर के आपस में मल्टीप्लाइड है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी आपकी एड हो जाएगी तो ई e की पावर जे ओमेगा सी टी प्लस एन ओमेगा एम टी ओके okay? तो ये आपका हो गया ई e की पावर के दोनों ओके okay? नाउ अब अगर मैं इस रियल को भी एलिमिनेट करूं तो रियल हमने लिया क्यों था स्टार्टिंग में जब हम लोगों को cos को e की पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखना था तो हम लोगों ने क्या लिखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू रियल ऑफ ई की पावर जे थीटा अब अगर मैं रियल हटा दू तो वापस से जो ई e की पावर जे थीटा वाला टर्म है वो किस किसमें लिखा जाएगा आपका कॉस में तो ये हो जाएगा ए सी सिग्मा एन इक्वल टू माइनस इन्फेनाइट टू प्लस इनफिनाइट जे एन बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस एन एफ एम इन टू टी ओके हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है यहां पर ओमेगा सी को लिख दिया है टू पाई एफ सी और ओमेगा एन को टू पाई एफ एम तो टू पाई कॉमन आ गया तो एफ सी प्लस एन एफ एम और टी को भी हमने कॉमन ले लिया यहां से ओके okay? तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है व्हाइट बैंड एफ एम का ओके okay? आप देख सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट था ये इसका डेरेवेशन करना ओके okay? अगर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूं यहां पर डेरिवेशन को तो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट कहां से किया था हम लोगों ने st, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ मॉडुलेशन इंडेक्स वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अब हम लोग कोई अप्रोक्सीमेशन ले नहीं सकते थे जैसा हमने नैरो बैंड में लिया था क्योंकि यहां पर बीटा क्या है आपका ग्रेटर देन वन है ओके okay? उसके बाद हम लोगों ने कॉज को रियल ऑफ ई की पावर जे थीटा में लिखा था क्लियर है और उसके बाद हम लोगों ने की पावर जे बीटा ओमेगा एम टी को प्रूफ किया था कि ये पीरियोडिक सिग्नल है और उसका हम लोगों ने फोरिया सीरीज रिप्रेजेंटेशन देखा था ओके अगर आपको फोरिया सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सिग्नल सिस्टम्स की वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल पर जो कि अवेलेबल है ओके तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे मैंने आपको बहुत हद तक क्लियर करने की कोशिश की है फोरिया सीरीज को सिंपल से सिर्फ दो फॉर्मुलेज हैं और कुछ भी नहीं ओके नाउ फोरिया सीरीज में सी एन के कैलकुलेशन के टाइम पे आपका एक फंक्शन क्रिएट हुआ था जिसे हमने नाम दिया था बेसल फंक्शन बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आप सोच रहे होंगे प्रॉपर्टीज तो अभी तक हमने यूज ही नहीं की है लेकिन अभी हम करेंगे प्रॉपर्टीज को यूज ठीक है ड्यूरिंग द पावर कैलकुलेशन ड्यूरिंग द बैंडविथ कैलकुलेशन ड्यूरिंग द स्पेक्ट्रम ठीक है उसके बाद हम लोगों ने अपने बेसल फंक्शन को सीएन के फॉर्म में लिख दिया था That is, you can say कि आपने अपने Cn को फोर सीरीज के एक्सप्रेशन में, okay? तो हम में जिससे हमें ई की पावर जे बीटा साइन ओमेगा एम टी का फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल गया था और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था उसी फोरिया सीरीज रिप्रेजेंटेशन को अपने wide band FM के एक्सप्रेशन में पुट करके उसे रीअरेंज कर लिया था तो ये ये हमारा finally, जो हमें मिला था, है है आपका wide band FM का। okay? Clear point अच्छे से नाउ अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं और इस एक्सप्रेशन का अगर मैं यहां पर स्पेक्ट्रम ड्रॉ करूं ठीक है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इसे मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं एक्सप्रेशन को एस टी इक्वल टू ओके यहां पर अगर मैं माइनस टू से लेकर प्लस टू तक ओपन कर लू ठीक है क्योंकि है तो आपका पूरा माइनस इंफनाइट से प्लस जो ओपन करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा ओके okay? तो मैं यहां पर -2 से प्लस टू तक इसे ओपन करने के लिए जा रहा हूं ओके okay? सो कितना हो जाएगा आप देखिए ये हो जाएगा ए सी ओके आगे क्या है आप देखिए यहां पर जे टू बीटा हम लोगों ने अभी अभी बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जे ऑफ माइनस टू बीटा किसके इक्वल होगा आपका जे टू बीटा के जब जब आपका जो नेगेटिव पार्ट है नेगेटिव इंटीजर है है वो इवन तो आपका सेम रहेगा पॉजिटिव के अगर अगर आपका आपका नेगेटिव इंटीजर जो है है वो ऑड तो पॉजिटिव वाले के साथ माइनस साइन आपको यूज करना पड़ेगा जैसा आप लोगों ने प्रॉपर्टी में स्टडी किया है ओके okay? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ए सी जे टू बीटा ओके आगे क्या हो जाएगा कॉस टू पाई ओके एफ सी ओके एफ सी के आगे क्या है ध्यान से देखिए प्लस एन एफ एम है लेकिन एन की वैल्यू क्या है यहां पर नेगेटिव है ना माइनस टू है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर माइनस टू एफ एम इन टू टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से ओके okay, अब आगे क्या हो जाएगा आप देखिए यहां पर प्लस ए सी ओके जे ऑफ अब यहां पर क्या आएगा माइनस वन आ जाएगा तो माइनस वन को आप क्या लिख सकते हैं माइनस जे वन बीटा ओके तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा माइनस जे वन बीटा क्लियर है अच्छे से तो यहां पर आप लिख लीजिए जे वन बीटा और सामने आपका साइन क्या कर दीजिए आप चेंज कर दीजिए साइन को अपने साइन को आप अपने यहां पर बना दीजिए प्लस से माइनस ओके तो यहां पर हो गया ए सी जे वन बीटा और सामने साइन हो गया आपका माइनस और क्या बच जाएगा कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी ओके प्लस अब देखिए आगे आप क्या हो जाएगा एसी जे जीरो बीटा जैसे ही आप जीरो पुट करेंगे एन की वैल्यू ये एन एफ एम वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा ठीक है तो अब आपका बच जाएगा ए सी जे जीरो बीटा कॉस टू पाई एफ सी टी ओके okay? सेम आपको प्लस वन और प्लस टू भी पुट करना है जब आप प्लस वन पुट करेंगे तो आ जाएगा ए सी जे वन बीटा कॉस टू पाई क्या बचेगा एफ सी प्लस एफ एम टी ओके अब आपके सारे प्लस होते जाएंगे एफ सी प्लस एफ एम एफ सी प्लस टू एफ एम एंड सो ऑन नेक्स्ट ए सी जे टू बीटा कॉस टू पाई एफ सी प्लस टू एफ एम ओके इन टू टी क्लियर ए पॉइंट और प्लस पे आप लिखेंगे डैश 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 ओके मीन्स आप माइनस टू से प्लस टू तक शो कर रहे हैं लेकिन ये जा कहां से कहां तक रहा है माइनस इनफनाइट से प्लस इंफनाइट तक क्लियर है तो यहां पर अब अगर मैं स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए जाऊं को अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो आप देखिए ध्यान से एस एफ हमें ड्रॉ करना आता है हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में ऑलरेडी सीख रखा है कि जब भी कोई कॉस हो और उसके साथ अगर कोई एम्पलीट्यूड हो तो आप फोरियर स्पेक्ट्रम किस तरह से ड्रॉ करते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखिए जो ये वाला कॉस है आपका एसी जे जीरो पर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ सी है एम्पलीट्यूड क्या है एसी इंटू जे जीरो बनते हैं आपके ओके एक इंपल्स आपका कहां बनता है प्लस फ्रिक्वेंसी पर और एक इंपल्स आपका कहां बनता है माइनस फ्रिक्वेंसी पर और एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका डिवाइडेड बाय टू हो जाता है क्लियर है तो ये हो जाएगा आपका देखिए प्लस एफ सी ओके और एम्पलीट्यूड क्या होगा ए सी जे जीरो बीटा डिवाइडेड बाय टू क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर मैं नेगेटिव साइड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके बहुत सारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स है ओके तो डायग्राम आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वैसे भी हमें बैंडविथ कैलकुलेशन के लिए सिर्फ पॉजिटिव साइड की ही नीड होती है ओके तो यहां पर हम लोगों ने एफसी पर एक इंपल्स ड्रॉ कर दिया अब आप देखिए नेक्स्ट इंपल्स आपका कहां ड्रॉ होगा एफसी माइनस एफ एम पे आप ड्रॉ कर लीजिए क्या है एम्पलीट्यूड आपका माइनस एसी जे वन बीटा ओके तो कितना हो जाएगा आपका एफ सी माइनस एफ एम पर माइनस ए सी जे वन बीटा डिवाइडेड बाय टू ये आपका बन गया एफसी माइनस एफ एम पर क्लियर है पॉइंट अब अगर मैं यहां पर अगला ड्रॉ करने के लिए जाऊं तो एफ सी माइनस टू एफ एम पे आप ड्रॉ कर सकते हैं कितना हो जाएगा ए सी जे टू बीटा डिवाइडेड बाय टू ओके तो एफ सी माइनस टू एफ एम तो आपका हो जाएगा ए सी जे टू बीटा डिवाइडेड बाय टू ओके ये आपका पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ बना AC जे वन बीटा बाय टू वाला क्या था नेगेटिव था तो आपने नीचे की तरफ बना दिया इसे ठीक है और ऐसे ही अगर आप एफ सी माइनस थ्री एफ एम एफ सी माइनस फोर एफ एम ड्रॉ करते जाते तो वो बनते चला जाता आपका क्लियर है नाउ अगर आप अगला ड्रॉ करें एफ सी प्लस एफ एम तो कितना हो जाएगा आपका आप देख सकते हैं यहां पर एफ सी प्लस एफ एम का एम्पलीट्यूड क्या है एसी जे वन बीटा तो कितना बनेगा ये ए सी जे वन बीटा अपॉन टू ओके तो इसे आप ड्रॉ कर दीजिए एफ सी प्लस एफ एम ओके ये हो जाएगा आपका ए सी जे वन बीटा

एफ सी माइनस एफ एम एफ सी माइनस टू एफ एम एंड सो ऑन ओके तो यहां पर आप देखेंगे अगर ध्यान से इस स्पेक्ट्रम को तो मैंने बेसिकली यहां पर क्या किया है मैंने यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड को मैं डिक्रीज करते गया हूं लगातार देखिए जो एफ सी प्लस एफ एम मतलब जहां एन की वैल्यू वन थी ठीक है वहां पर एम्पलीट्यूड देखिए एन की वैल्यू जीरो से लेस है ठीक है सिमिलरली जो एन की वैल्यू टू है दैट इज एफ सी प्लस टू एफ एम वाला वहां पर एम्पलीट्यूड देखिए वो वन से लेस है जहां पर एन की वैल्यू वन थी क्लियर है पॉइंट। सिमिलरली आपका दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं यहां पर बेसल फंक्शन प्रॉपर्टी वो क्या थी आपकी कि जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो जे एन एक्स है वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा तो जे जीरो So तो तो इंक्रीज करने से लगातार डिक्रीज होंगे ठीक है और सभी के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो तो ए सी अपॉइंट टू ही है तो वो तो सेम ही है तो जैसे जैसे आपके जे एन बीटा डिक्रीज होते चले जाएंगे एन को इंक्रीज करने से वैसे वैसे ही आपके दोनों साइड एफ के दोनों साइड आपके जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे लगातार ओके क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो ये आपका बनता है स्पेक्ट्रम ठीक है अब आप यहां ध्यान से समझिए अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ देख सकते हैं यहां पर N की वैल्यू जो है आपकी वो है माइनस टू प्लस इंफाइट तो आपके एफ सी के लेफ्टी राइट हैंड साइड भी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे ठीक है ना तो इसकी मीनिंग क्या है इसकी मीनिंग ये है कि जब आप बैंडविथ कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो बैंडविथ का फॉर्मुला क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द पॉजिटिव साइड आप यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो हैं। आप infinity पे जाकर तो नहीं देख सकते ना कि क्या है ठीक है ना? और frequency क्या होगी infinity पे? Infinity ही होगी। पे? ही तो आपका जो है है? वो ही आ जाएगा। Logic clear है? तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझना होगा कि चूंकि यहां पर infinite number of terms है, जो आपकी वाइड बैंड एफ एम की जाती है तो आइडियल बैंडविथ वाइड बैंड एफ एम इज इन्टी बट क्या बैंडविथ से हम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगा इन से आपको समझना होगा वाइड बैंड एफ एम एक सिग्नल है और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर रखा है कि सिग्नल की बैंडविथ शुड बी लेस देन सिस्टम बैंडविथ शुड बी लेस देन चैनल बैंडविथ ओके मीनस अगर किसी सिग्नल की बैंडविथ बहुत ज्यादा होगी तो वो चैनल से पास ही नहीं हो पाएगा क्योंकि तो चैनल की बैंडविथ ज्यादा होनी चाहिए सिग्नल की बैंडविथ से क्लियर है तो यहां पर आपका जो सिग्नल की बैंडविथ है वो इंफिनिटी है दैट आपका एक भी सिग्नल पास नहीं हो पाएगा चैनल से ओके okay? तो ये व्हाइट बैंड एफ की एक डिसएडवांटेज हो जाएगी बहुत बड़ी और हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि व्हाइट बैंड एफ प्रैक्टिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें इस बैंडविथ को अब एनालाइज करना होगा कि बैंडवेद को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं सिग्नल की ओके okay? तो आप ध्यान से समझिए यहां पर अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें यहां पर तो आप देखिए ये जो spectrum के जो spectral components जो स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रल वो दोनों साइड एफ के दोनों साइड लगातार डिक्रीज हो रहे हैं ठीक है ना और जैसे जैसे एन की वैल्यू आपकी इंक्रीज होते चले जाएगी वो और डिक्रीज होते चले जाएंगे और एट लास्ट वो जीरो हो जाएंगे क्लियर है पॉइंट तो जहां पर आपके एम्पलीट्यूड बहुत ही लो वैल्यू के हैं मीन्स जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है अगर हम उन स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को कंसीडर ही ना करें तो हमारी जो है वो फाइनाइट आ जाएगी ठीक है ना अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स को कंसीडर करें जिनमें आपके प्रॉपर एम्पलीट्यूड है ठीक है ना जिनमें आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है ठीक है जिनमें इंफॉर्मेशन लो है उन्हें हम कंसिडर ही नहीं करते जैसे सपोज करिए आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एफ सी प्लस तो आप क्या करेंगे सिर्फ Fc plus 10 fm तक के ही को करेंगे, और लोअर साइड भी Fc minus 10 fm के करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी आपकी है ना एफ सी प्लस टेन एफ एम माइनस एफ सी माइनस टेन एफ एम आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एफ एम क्लियर है पॉइंट तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ उस स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को कंसीडर करें जहां पर आपके एम्पलीट्यूड प्रॉपर है जहां पर आपके एम्पलीट्यूड सिग्निफिकेंट है ठीक है तो हमारी बैंडविथ क्या हो जाएगी फाइनाइट हो जाएगी ठीक है तो यहां पर बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ और सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड को कंसीडर करेंगे और बाकी इनसिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से यहां पर एक और पॉइंट है बैंडविथ कैलकुलेशन के पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ये जो एफ सी प्लस एफ एम वाला टर्म है आप लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉडलेशन में भी पढ़ रखा है इसे हम कहते हैं अपर साइड बैंड और FC minus FM वाले टर्म को क्या कहते हैं लोअर साइड बैंड ठीक है तो एक्चुअल में आप क्या कह सकते हैं कि जो एफ सी प्लस टू एफ एम है वो भी आपकी अपर साइड बैंड है और एफ सी माइनस टू एफ एम भी लोअर साइड बैंड है तो आपको कहना क्या चाहिए कि देयर आर देअनाइट नंबर ऑफ अपर साइड बैंड एंड इनफेनाइट नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड्स ओके मीनिंग क्या है आपकी कि जो एफ सी प्लस एफ एम है वो है आपकी फर्स्ट ऑर्डर अपर साइड बैंड प्लस टू एफ एम सेकेंड ऑर्डर अपर साइड साइडरलीफसी माइनस एफ एम क्या है आपकी फर्स्ट ऑर्डर लोअर साइड बैंड माइनस टू एफ एम क्या है सेकेंड ऑर्डर लोअर साइड बैंड एंड सो ऑन ओके तो यहां पर आपकी इन्फनाइट नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड है जिसके कारण आप बैंडविथ कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं बैंडविथ आपकी वैल्यू क्या आ रही है इंफिनिटी आ रही है तो हम लोग अब जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड ही कंसिडर करेंगे ठीक है तो इसके लिए बेसिकली कारसन ने एक रूल दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं कारसन रूल ऑफ बैंडविथ ओके तो ये क्या होता है आपका ध्यान से समझिएगा कार्सन ने कहा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड कंसीडर करिए सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट कंसीडर करिए ओके और उन्होंने कहा है कि किसी भी स्पेक्ट्रम में किसी भी वाइट बैंड एफ के स्पेक्ट्रम में ओनली बीटा प्लस वन जो आपकी साइड बैंड होती है वही आपकी सिग्निफिकेंट होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ बीटा प्लस साइड बैंड को कंसीडर करिए उसके अलावा आप कोई और साइड बैंड कंसीडर मत करिए ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो बीटा प्लस वन साइड बैंड को अगर हम कंसीडर करना चाहते हैं तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसे देखिए एग्जाम्पल ये है कि जब आप मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ वन साइड बैंड कंसीडर करते हैं मींस वन अपर एंड वन लोअर तो क्या हो जाएगा आपका बैंडविथ क्या हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम ओके माइनस एफ सी माइनस एफ एम कितना आ जाएगा आंसर आपका टू एफ एम क्लियर है मान लीजिए अगर आप सिर्फ टू साइड बैंड को कंसिडर करते हैं मीन्स टू अपर एंड टू लोअर तो क्या हो जाएगा हाइएस्ट कितना होगा एफ सी प्लस टू एफ एम और लोवेस्ट क्या हो जाएगा एफ सी माइनस टू एफ एम तो आंसर कितना हो जाएगा आपका बैंडविथ का बैंडवित का आंसर हो जाएगा आपका फोर एफ एम क्लियर है तो कारसन ने क्या कहा है कि आप बीटा प्लस वन साइड बैंड को कंसिडर करिए बीटा प्लस वन साइड बैंड ही आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करती है बाकी के जो रिमेनिंग साइड बैंड है वो बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी देख रखी है वो लगातार डिक्रीज होते जाएंगे आपके हाइयर ऑर्डर एन की वैल्यू के लिए तो बाकी की जो रिमेनिंग साइड बैंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करती है ठीक है तो ये आपका कारसन ने कहा हुआ है तो कारसन रूल के अकॉर्डिंग जो आपका बैंडविथ हो जाएगा कार्सन ने क्या कहा है ओनली बीटा प्लस वन साइड बैंड्स ओके यही आपको कंसीडर करनी है ठीक है तो कारसन रूल के अकॉर्डिंग जो बैंडविथ होगा आप देखिए जब आप टू साइड बैंड कंसीडर कर रहे थे तो आंसर क्या आया आपका टू इंटू टू एफ एम जब आपने वन साइड बैंड कंसीडर की तो आंसर क्या आया आपका एफ एम तो जब आप बीटा प्लस वन साइड बैंड कंसीडर करेंगे तो आंसर क्या होगा टू इंटू बीटा प्लस वन इंटू एफ एम ओके तो बेसिकली कार्सन ने आपको यही रूल दिया हुआ है ऑफ बैंडविथ कैलकुलेशन का क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है ठीक है क्योंकि देयर आर इंफनाइट नंबर ऑफ अपर साइड बैंड्स एंड लोअर साइड बैंड्स जिसके कारण आपकी बैंडविथ क्या आई थी इनफिनिटी आई थी इसलिए कारसन ने रूल दिया कि ओनली बीटा प्लस वन साइड बैंड्स कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दे आर सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स अदर साइड बैंड्स यू कैन नेग्लेक्ट ठीक है क्लियर ए पॉइंट तो ये है आपकी वाइड बैंड एफ एम की एक्चुअल बैंडविथ जो आपको यूज करनी है ठीक है ना वैसे तो आपकी एक्चुअली वही है इंफिनिटी लेकिन जो आपको यूज करनी है वो क्या है टू इंटू बीटा प्लस ने पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है तो यहां पर अगर मैं बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा टू इंटू डेल एफ अपॉन एफ एम प्लस वन इंटू एफ एम ओके तो ये आ जाएगा आपका टू इन टू डेल एफ प्लस एफ एम ओके तो दिस इज योर बैंड विथ जो चाहे आप ये फॉर्मला यूज करिए चाहे आप ये फॉर्मला यूज करिए दोनों फॉर्मले आपके बिल्कुल सेम है जो आपको कार्सन ने दिए हुए हैं क्लियर है अच्छे से ठीक है तो ये वीडियो थोड़ी सी टफ है क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है व्हाइट बैंड एफ एम का अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट ओके आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइट बैंड एफ का एनालिसिस कंटिन्यू रखेंगे ओके गुड बाय